देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड का उल्लेखनीय बसंत पंचमी का पर्व तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुष्प लाभ अर्जित किया। इसके साथ ही आज से 3 दिवसीय ऋषिकेश बसंत महोत्सव की धूम भी शुरू हो गई। बसंत पंचमी पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण ऋषिकेश नारायण श्री भगवान भरत जी महाराज की डोली यात्रा रही, जिसका भव्य आयोजन धर्म नगरी में झंडा चौक स्थित प्राचीनतम श्री भरत मंदिर से किया गया। सोमवार का दिन पूरी तरह से धर्म नगरी में उल्लास और उमंग की नई ब्यार लाने के साथ धार्मिक उत्सव की धूम लेकर आया। पर्व के साथ ही आज से ऋषिकेश की पहचान बन चुके ऋषिकेश बसंत महोत्सव 2018 का भी शुभारंभ हो गया। 3 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिवस पर आज लायंस क्लब डिवाइन के तत्वधान में स्वर्गीय श्री राम बाबू गोयल की स्मृति में आयोजित साइकिल रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रेस का शुभारंभ किया। करीब 5 किलोमीटर की रेस में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बेहद दमखम के साथ प्रतिभाग किया। इससे पूर्व झंडा चौक पर सुबह आयोजित समिति के तमाम सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण के साथ ऋषिकेश बसंत महोत्सव की शुरुआत हुई। इन सब के बीच पर्व का बड़ा आकर्षण भगवान भगत की डोली यात्रा रही, जिसका भव्य आयोजन यहां किया गया था। इस मौके पर समूचे झंडा चौक बाजार को पीले झंडों से सजाया गया था। डोली यात्रा में शामिल तमाम लोगों ने पर्व की खुशी में अबीर गुलाल के साथ जमकर होली खेली। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से संवाददाता अमित सूरी की रिपोर्ट। जिसको होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, दिखाना है, उसको एक दिशा निर्देश मिलता है, मार्ग बनता है, आगे कुछ करने के लिए जज्बा बनता है। देख रहे हैं कि कई सालों में इतना अच्छा वो नहीं था, ना इतना ग्राउंड मिलता था काम करने का, पर तो कहीं ना कहीं अगर छोटे छोटे कार्यक्रम चलते रहेंगे तो हमारा युवा एक ऋषिकेश से भी कोई ना कोई एक होनहार निकलेगा। जैसे खेल के धावक है, ऐसी अन्य भी निकले हैं, ऐसे यहाँ से भी निकलेंगे। मेरा मानना यह है कि कल कुछ सालों में ही हमारे यहाँ से भी कोई अच्छा खिलाड़ी आगे निकले। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।